अभी हमने कुछ दिन पहले इसका वीडियो अपलोड किया था वीवो T3 5G फ़ोन के बारे में। तो हमने इसको लॉन्च डेट के पहले अपलोड किया था, तो हमने इसकी जो प्राइस है तो लगभग गेस की थी इसकी प्राइस जिससे स्पेक्स पे आ रहा था फ़ोन। और देख सकते हैं आप लुक वाइज कितना अच्छा फ़ोन दिख रहा है। तो इसकी प्राइस हमने करीब 30 से 32 हज़ार रुपये बताई थी। तो ये अभी जब लॉन्च हुआ है ये 25 हज़ार की रेंज पे लॉन्च हुआ है। जैसा कि आप देख पाएंगे जो 8 GB और 128 GB वाला वेरियंट है वो 25 हज़ार का, और जो 8 GB 256 GB वाला वेरियंट है वो जो 26,999 यानी 27,000 रुपये का। देख सकते हैं इसके स्पेक्स के बारे में, ये 3G 4G 5G फ़ोन होने वाला है और स्नैपड्रैगन Gen 3 ऑक्टाकोर प्रोसेसर होने वाला है। और इसमें 8 GB का रैम मिलेगा और 8 GB का वर्चुअल रैम मिलेगा। इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक 128 GB और एक 256 GB। इसकी कैमरे सेटअप की बात कर लेते हैं तो कैमरा इसमें मिलने वाला है 50 MP का और 8 MP का डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है और 16 MP सोनी का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। और ये फ़ोन जो है मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा और रन करेगा एंड्रॉयड 14 पे। तो इसके लिए है इसका जो थिकनेस होगी 7.49 mm की होगी और जो इसका वेट होगा 1.84 ग्राम होगा और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा। ये फ़ोन एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा और पंच होल डिस्प्ले रहेगा इसमें। जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है कि इसमें 8 GB का वर्चुअल रैम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और टाइप सी कनेक्टिविटी है और रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और इसमें 5500 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 80W चार्ज का सपोर्ट करेगी। इसमें FM रेडियो और 3.5 mm का जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ज़्यादा स्पेक्स में देखने के लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा। मॉडल नंबर इसका है T3 Pro V2404 और ये 27 अगस्त को लॉन्च हो चुका है स्मार्टफोन। इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.61 है। कर्व डिस्प्ले देखने को आपको मिल जाएगी और स्टोरेज टाइप 2.2 UFS देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे 5G पैंट देखने को आपको मिल जाएंगे इसमें। और इसमें IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी आपको। इसमें फ्रंट कैमरा मिलने वाला है वो सोनी का मिलने वाला है। इसमें आप 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि 60fps फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करेगा और फ्रंट टच OS एंड्रॉयड 14 पे काम करेगा।